यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे क्रेडिट लिमिट 1000 रुपये है। इसको अपने बैंक अकाउंट में वन क्लिक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस ये है पोस्ट पे पे लेटर एप्लीकेशन, एंड इस वीडियो आपको बताएंगे इस पे लेटर एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे का प्रोसेस है इसमें से क्रेडिट लिमिट अवेल करने का। और क्रेडिट लिमिट जो भी आपकी होती है 1000 रुपये से लेकर 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 जो भी आपकी लिमिट होगी उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस A to Z आपको बताएंगे। ओके, इसके लिए कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन खोलेंगे, इस तरह का इंटरफेस होगा। इसमें क्या है कि आप इस मंथ जो है टू, मतलब अगर आप एक्सपेंस जो कुछ भी कर रहे हैं बार कोड रीड करके या कहीं से भी, ओके, तो आप नेक्स्ट मंथ उसको पे कर सकते हैं, उसमें बहुत कम इंटरेस्ट लगता है। ओके, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए आपका 40,000 रुपये का बिल बना है, ठीक है, आपके पास 40,000 रुपये नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा बिल अगर पे करना ज़रूरी है, अगर नहीं पे कर पा रहे तो किस्तों में उस पैसे को चुका सकते हैं। ये कोई भी पे लेटर एप्लीकेशन आपको एडवांटेज नहीं देती है, तो इसलिए ये पे लेटर एप्लीकेशन आपको बहुत पसंद है। ओके, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये परमिशन, उसके बाद आएंगे परमिशन, आपको क्या करना है इसको इसको रीड करना है, एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सर परमिशन एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिर आएगा कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें परमिशन होती है इनको सिंपली अलाउ करना है। फिर गाइस आपको करना है कि यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस सिम से आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं। ओके, वो सिम सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे OTP वेरीफाई करानी, उस नंबर पर OTP आएगी। उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर है वो एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे उसी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करिएगा जिसमें आप चाहते हैं आपके लोन के पैसे आएँ, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आधार वेरीफाई कराना है, तो आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और उसके बाद आधार वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करना है, डिजी लॉकर से आपका आधार वेरीफाई होगा, ठीक। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो है वो एंटर करना है, ये कैप्चा कोड जो है इसको इस बॉक्स में एंटर करना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आधार से लिंक नंबर पे OTP आएगी, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट 6 डिजिट की जो पिन होती है डिजी लॉकर की वो आपको एंटर करनी है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक। अगर पिन नहीं आते तो फॉरगेट कर सकते हैं पिन। नेक्स्ट फिर अलाउ कर देना है कंसेंट, जिसमें होगा कि आप इस कंपनी को अलाउ कर रहे हैं क्या, वो आपका आधार कार्ड चेक कर सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये काम हमने कंप्लीट कर लिया, मेरा आधार वेरीफाई हो गया, पैन वेरीफाई हो गया। अब सिंपली आपको सिर्फ सेल्फी देनी है, सेल्फी के लिए अपलोड सेल्फी पे क्लिक करना है और आपको फ्रंट कैमरे से फोटो खींच लेनी है, ठीक है, आपका काम हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी 1000 रुपये की क्रेडिट लिमिट आ चुकी है, ठीक है। बहुत मिनिमम से इसमें इंटरेस्ट सकते हैं, बहुत मिनिमम से 30-40 रुपये का, तो उसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है अगर इसको लेना चाहते हैं, आई एग्री के बटन पर नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, वो वेरीफाई कराना है। डेट्स इट, आपका काम कंप्लीट हो गया। आई अंडरस्टैंड पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपका थोड़ी सी लोडिंग होगी, उसके बाद आपको वेट करना है। यहाँ पे कैसे आपकी क्रेडिट लिमिट कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। इसके लिए करना है कि ये 1000 रुपये इसको यूज़ करना चाहते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ नीचे सेंड मनी का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं आप, और इस पैसे को पूरा जितना भी चाहते हैं उसको अपने बैंक अकाउंट में डिसबर्स करा सकते हैं, या फिर ये बारकोड को रीड कर सकते हैं। तो कहीं भी आपको अगर गुमती हो पे या कहीं भी कुछ सामान लेना है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको गाइस इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में आप पैसे भेजना चाहते हैं और उसमें आप पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट कर लेंगे हम बैंक अकाउंट और यहाँ पे पैसे उसी टाइम इंस्टेंट चले जाते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 रुपये अगर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ओके, तो मेरे ट्रांजेक्शन में कितने 956 रुपये मेरे बैंक में आएंगे, यानी कि 44 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट लग रहा है, 44, ठीक है। आप जितने भी चाहे अपने अकाउंट में भेज सकते हैं, 100, 200, 400 कुछ भी, ओके। तो इस तरीके से आप इसको अमाउंट को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी लोन ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ चेकआउट कर